क्या बना रहे हो? मैगी बना रहा हूँ, खानी है? नहीं, मुझे मैगी इतनी नहीं पसंद। वैसे दीदी को मैगी बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, साथ में खाएंगे। एक तो तुम्हारे घर में ना कभी नेटवर्क नहीं मिलता। पागल हो क्या? तुमने मुझे डरा दिया। बताओ क्या काम है? क्या सोच रही हो? Very funny. एक इंसान कबर्ड के सामने क्या सोचता होगा? Of course, कपड़ों के बारे में। मैं एक घंटे से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं आज क्या पहनूं। Wait, मैं बताता हूँ। करण, इरिटेट मत करो, मैं ऑलरेडी एक घंटे से पक चुकी हूँ। अरे वो पिंक वाला यार, हाँ ये तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। Really? तुम्हें पता है करण, अगर मेरी दीदी यहाँ होती ना तो वो भी कहती कि यही पहनो। तुम दोनों की चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। तुम्हें जो पहनना है पहन लो। मैम? यस मैम। कहाँ हो तुम करण, और क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? और असाइनमेंट का क्या हुआ? मैम वो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम अभी के अभी क्लास आ जाओ। जी मैम आता हूँ, मैं क्लास जा रहा हूँ। अरे पर तुम तो नहीं जाने वाले थे ना आज, क्या पागल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आया, तुम कहाँ जा रही हो? अरे यार आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, उसी के लिए जा रही हूँ। अच्छा चलो गाइस मैं चलती हूँ। बाय बाय करण। बाय। भैया कहाँ है, दिख नहीं रहे? एक्चुअली उनको ऑफिस में काम था तो जल्दी निकल गए। अरे यार भाई अभी आजकल इतनी जल्दी चले जाते हैं ना, तो कभी मिलते हैं। मुझे कुछ दिनों से उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, पता नहीं कब बात कर पाऊंगा। चलो फोन पे बात कर लूंगा। हेलो हेलो हयात, कहाँ हो तुम? कब से ट्राई कर रहा हूँ, जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलना है। ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, कितने गंदे हो गए थे कर्टन्स, साफ कर रही हूं मैं। नीचे आ जाओ, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, बस हो ही गया अब। वाह क्या लाजवाब जोड़ी है। हाँ हमारी जोड़ी तो काफी अच्छी है। आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे बहुत सारी डस्टिंग करनी है। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी और तुम यहां बैठे हो। अच्छा करण एक बात पूछूं मैं तुमसे? क्या? तुम मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव करते हो? मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे भी तुम पसंद हो, पर मैं तुम्हारे भाई के प्यार में हूं, और तुम्हें तो पता ही है हमारा एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा, और मैं नहीं चाहती। क्या तुम चाहते हो ये घर बर्बाद हो जाए?
हाँ हयात, क्या सब ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? अरे हयात का कॉल आया था, जाना होगा मुझे घर पे। सब ठीक तो है ना? हाँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। करण, इनके साथ इश्यू हो गया है, इन दोनों का इनके लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया है और इन्होंने वो घर छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा है कि मेरी और मोहिनी की वैसे भी शादी होने वाली है और शादी के बाद मोहिनी तुम्हारी भाभी बनके इस घर में ही रहेगी ना, तो मोहिनी के साथ हयात को भी इस घर में ही रख लेते हैं ना। मुझे पता है आपको हमारी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दी सही कह रही है, जैसे ही कोई इंतजाम होता है हम यहाँ से चले जाएंगे, और वैसे भी हालात अगर इतने बुरे नहीं होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, बस कुछ दिनों की बात है। You guys don't worry, हाँ? मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। एंड करण, तुझे कोई एतराज है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसे वक्त में तो अपने ही अपनों के काम आते हैं। और मोनी मैम, तो आप फिर अर्जुन भैया के साथ उनके रूम में सेटल हो जाना, और हयात तुम मेरे रूम में सेटल हो जाना। और तुम? मैं तो भैया कहीं भी सो जाऊंगा, ये तो पूरा घर ही मेरा है। थैंक यू करण, बट उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी। मैं करण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। करण मेरा छोटा भाई है और बचपन से हम दोनों भाई साथ में हैं। इसकी एक आदत है जो मुझे पता है, ये एक बार जो सोच लेता है ना, वो उस बात को ये मनवा कर ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए इसकी बात मान लो। और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है ऑफिस के लिए, तो क्यों ना हम लोग सेटल हो जाते हैं और सो जाते हैं, गुड नाइट कर लेते हैं। ठीक। व्हाट डू यू से? इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? अरे हयात का मैसेज। नींद नहीं आ रही तो मेरे पास आ जाओ, लगता है मूड हो गया इसका। चलो चलते हैं, मजा आएगा। करण, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो बस पानी पीने के लिए जा रहा था। किचन तो वहां पे है। अरे वो क्या है ना, मैं जब से नीचे सोने लगा हूँ कंफ्यूजन सी हो गई है, पहले वो ऊपर होता था तो ऊपर नीचे पता नहीं। हाँ लगता है तुम नींद में ही चल रहे हो, क्योंकि पानी की बोतल तो तुम्हारी टेबल पर ही है। कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। अच्छा सुनो, ये लो चादर, तुम्हारे भैया ने चादर दी है, ओढ़ लेना और अच्छे से सोना, ठीक है? गुड नाइट। किस्मत ही खराब है यार। चल भाई सो जा, मेरा तो पेट भर गया है, अब काम पे, थोड़ा जल्दी में हुआ निकलता हूं। तो बेबी, इनका ख्याल रखना, एंड गिव मी अ हग। आ हा हा हा, मजा आ गया। सी यू गाइस, बाय बाय। और हाँ, गाड़ी तेज मत चलाना हमेशा की तरह। ओके बॉस। करण, करण, तुम कैसे खा रहे हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, बस वो वैसे ही। अरे तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, तुम चल रहे हो मेरे साथ? नहीं, तुम बाद में आ जाना, वो मुझे मैम के साथ जल्दी जाना है, मुझे कुछ जरूरी असाइनमेंट पूरे करने हैं। तो चले मैम। ठीक है, हम मिलते हैं फिर बाद में। ठीक। पता नहीं इसको क्या हो गया। करण, हमें 2 दिन के लिए अहमदाबाद जाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? क्योंकि तुम्हारे भैया को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी और मुझे लगता है यू आर द बेस्ट ऑप्शन। अब बोलो और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है? तो ठीक है, फिर हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं और मेरे लिए भी करते हैं। ऐसा हयात कहती है कि हम दोनों की पसंद बहुत मिलती जुलती है। कहती तो है, पर हाँ उससे पहले हमें ये सब ठीक करना होगा।
चलो जल्दी करो। रुको। हाँ आपने ये वाला ट्राई करो। अच्छा इसमें से कौन सी पहनूं? बोलो, शर्माओ मत। ओके। पता है आज का खाना किसने बनाया? ये जो प्यारी सी खूबसूरत सी लंबे बाल वाली लड़की बैठी है ना, इसने बनाया सारा खाना। थैंक यू, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ इन्होंने ही बनाया, मैंने सिर्फ इनकी मदद की है। हेलो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमने मेरी प्रॉपर मदद की है। ये तो सच है। क्या बात है यार। अच्छा अर्जुन, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? सॉरी मोहिनी, मैं नहीं आ पाऊंगा यार, मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू अटेंड इट। करण तू फ्री है ना? तू चले जा भाभी के साथ, और वैसे भी लॉन्ग वीकेंड है, अग्री कर ले। हाँ कुछ बहुत जरूरी काम है तो चला जाता हूँ आपके साथ। चला जाता है। इसे क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो मेरी बहन है और मुझे पता है उसे कैसे संभालना। तो क्या है ना, मैं 2 दिन के लिए जा रही और मैंने उसे बताया नहीं, इसलिए वो गुस्सा है। पर आप परेशान मत हुई, मैं संभाल लूंगी। परेशान क्यों ना हो, मेरी साली है, मेरा फर्ज है कि मैं उसका ख्याल रखूं। तुम कहो तो मैं जाके उसे मनाऊं? अरे नहीं, मैं संभाल लूंगी। पक्का? हाँ। आप खाना खाइए। हयात, तुम जाओ। हयात सुनो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं आज बहुत थकी हुई और मुझे सोना है। अरे तुम साथ में सोते हैं ना? मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है, तुम यहाँ से जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मान भी जाओ ना यार। हयात सुनो ना, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अरे लेकिन